वेट कम करना, वेट लूज करना बहुत लोगों के लिए तो थोड़ा आसान होता है, पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घंटों हम जिम में पसीना बहाते हैं, घर पर पसीना बहाते हैं, पर नतीजा ये होता है कि हमारा वेट कम नहीं होता, साइड का फैट, बेली फैट बढ़ता ही जा रहा है। तो आज आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको खाकर आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट अगर आप साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वेट ज़रूर कम होगा। यूजुअली जब भी हम वेट कम करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं ढेर सारे फ्रूट्स या फिर आता है सैलेड और सूप, पर आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, प्रोटीन रिच है और बहुत ज़्यादा फाइबर है इसमें। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमें शुरू करना होगा एक कप के करीब सोयाबीन से। सोयाबीन जो होता है बहुत ज़्यादा हाई इन फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की मात्रा अगर ज़्यादा होती है और प्रोटीन अगर हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो क्या होगा कि हमारा वज़न तेज़ी से कम होगा। देखिए यहाँ पर हमने सोयाबीन को पानी में डाल दिया है, इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दिया, फ्लेम को मीडियम हाई रखा है और इसको 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से हम उबलने देंगे। 4 से 5 मिनट में क्या होगा, सोयाबीन अच्छे से सोख हो जाएगा, फूल जाएगा और उसके बाद में इसको ठंडा करके हाथों से निचोड़कर हम इसके बाद में साइड में रख देंगे और इसको हम यूज़ करेंगे अपनी वेट लॉस डाइट में। तो इसको आप चाहें तो इस तरह से तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको कोई भी रेसिपी बनानी हो तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने फ्रिज में इस तरह से सोयाबीन को हमेशा सोक करने के बाद में, थोड़ा सा बॉयल करने के बाद में हाथों से स्क्वीज करके रख लेती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत से उसको यूज़ कर सकें। अब देखिए वेट लॉस रेसिपी हम शुरू कर रहे हैं बनाना। आप इसको वेट लॉस नाश्ता भी बोल सकते हैं, आप इसको सब्जी भी बोल सकते हैं, आप इसको रेसिपी भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमने डाला है थोड़ा सा तेल, लगभग 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। आप कनोला ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या फिर किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप खाते हों। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से स्प्लटर कर लीजिए, क्रैकल कर लीजिए। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा इसके बाद ही आपको बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अब देखिए एक प्याज मैंने ली है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आप चाहें तो इसको छोटा छोटा भी काट सकते हैं, लंबा भी काट सकते हैं, तो जो भी शेप आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप काट लीजिए। प्याज को हमें भूनना है। साथ ही यहाँ पर हमने लिया है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इसको हमने यहाँ पर चॉपर में चॉप कर लिया था और ये हमने इसमें डाल दिया है लगभग 1.5 से 2 चम्मच। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा रेसिपी में। आप चाहें तो हरी मिर्च को काट कर डाल सकते हैं, जिंजर यानी कि अदरक को ग्रेट करके कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को भून लीजिए। तो यहाँ पर हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस सभी चीज़ों का हल्का सा कच्चापन निकल जाए इसके बाद में आप इसमें सोयाबीन डाल सकते हैं। तो सोयाबीन का पानी ऑलरेडी हमने स्क्वीज़ कर लिया है यानी कि हाथों से निचोड़ लिया था, तो सोयाबीन हम इसमें डाल देंगे। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसको आपको ज़रूर खाना चाहिए। इस तरह से सोयाबीन डाल दीजिए और जी तो जो ये रेसिपी हम बना रहे हैं ये लगभग 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर 2 लोग नहीं भी खा रहे हैं तो 2 टाइम के लिए आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, लंच में आप रेगुलर अपना रोटी दाल सब्जी खा सकते हैं और रात में आप इसको ले सकते हैं। तो आप इसको वेट लॉस डिनर रेसिपी भी बोल सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो सोयाबीन डालकर इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा सोयाबीन भुन जाएगी, सिक जाएगी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो सोयाबीन को बहुत ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले ही इसको उबाल लिया था। अब देखिए 1 शिमला मिर्च डाल दी हमने काट कर। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल दिया है, लगभग 1/2 कप के करीब। तो शेप आपके ऊपर है, पत्ता गोभी भी आप छोटी छोटी काट कर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी आप छोटी छोटी काट कर डाल सकते हैं। इसको भी कुछ देर इस तरह से भून लीजिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट हम इसको भूनेंगे इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हमने इस तरह से काट कर डाल दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक और डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले जाएगा इसमें 1/2 छोटी चम्मच के करीब नमक। जब भी आप वेट लॉस रेसिपी कोई भी बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा आप नमक का यूज़ ना करें। नमक अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी और आपका वेट लॉस ईजिली नहीं होगा। अब इसमें 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च इस्तेमाल की है। लाल मिर्च की क्वांटिटी भी आप कम रखें, बहुत ज़्यादा आपको मसाले यूज़ नहीं करने हैं जब भी आप कोई भी वेट लॉस रेसिपी बनाएं। तो मसालों का कम यूज करेंगे तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा, आसानी के साथ होगा। तो इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद भी इसको ढककर हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं।
लगभग 3 मिनट के बाद में देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसमें हम एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा एक वॉल्यूम भी मिलेगा और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा, साथ ही इसका जो हेल्थ कोशेंट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसमें मैं ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के करीब ओट्स। आप सिंपल प्लेन ओट्स ले लीजिए, किसी भी ब्रांड का ओट्स ले सकते हैं जो हाई इन ऑक्सीडेंट होता है, हाई इन फाइबर होता है, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं इसमें और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका काफ़ी कम होता है, तो वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात मैं और बता दूँ आपको, ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं ये डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। जितनी भी वेट लॉस रेसिपीज होती है ना, वेट लॉस करने वालों के साथ साथ डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये शुगर लेवल को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया ओट्स डालने के बाद में और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद में फ्लेम को हम कर देंगे लो मीडियम और लो मीडियम फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद क्या होगा, जो ओट्स है अच्छे से पक जाएगा और उसके बाद में पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कुछ इस तरह से देखने में लगेगा। ये देखिए अभी ये काफी आपको गाढ़ा लग रहा है, जैसे जैसे ठंडा होएगा ना तो वैसे वैसे क्या होएगा, ओट्स और भी ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा और ये एकदम से ड्राई होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी वेट लॉस मील ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। लास्ट में इसमें डालिए कटा हुआ हरा धनिया और इसमें आप लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं, नींबू का रस भी लास्ट में निचोड़कर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट इसका आता है। तो देखिए हमारी वेट लॉस डिनर रेसिपी, वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी, वेट लॉस लंच रेसिपी, तीनों ही बोल सकते हैं आप, तैयार है बनकर बिल्कुल। आप इसको चाट मसाला डालकर एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा ये। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा, बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा पानी का ध्यान रखें, आप नींद का ध्यान रखें, आपको दिन में लगभग 3 लीटर पानी पीना है और पर्याप्त मात्रा में आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, आपको दिन भर एक्टिव रहना है। तो आप अगर ये मील खाएंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे, साथ ही साथ एक्टिव रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।